तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पेयर्स की, कि माइक्रोस्पेयर्स कैसे बनाते हैं, कि हाउ टू प्रिपेयर माइक्रोस्पेयर्स, माइक्रोस्पेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने पढ़ा होगा, अपनी हमारा जो सब्जेक्ट होता है NDDS, एक सब्जेक्ट होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, CDDS होता है हमारा, यानी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा माइक्रोस्पेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोस्पेयर्स हैं उनको आज हम बनाने वाले हैं, कैसे माइक्रोस्पेयर्स को बनाते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोस्पेयर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या करना है, उस पेशेंट को दवाई लेनी है। जैसे सुबह दवाई लेनी है उसको, फिर 4 घंटे के बाद लेनी है, फिर उस अगले 4 घंटे के बाद लेनी है, फिर अगले 4 घंटे के बाद लेनी है। तो उसको क्या, दिन में 3-4 बार उसको दवाई लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इस झंझट को से छुटकारा पाने के लिए क्या करना, क्या करेंगे हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में अलग अलग मेथड पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक मेथड भी है हमारा, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो क्या करें, जैसे हमें पेशेंट को क्या करना है, उसको ड्रग ऐसे बना करके देनी है कि उसको बार बार ड्रग लेने की ज़रूरत ना पड़े, उसको एक बार ही लेकर के लंबे समय तक उसको एक्शन देखने को मिले। तो जैसे कंट्रोल, जैसे CDDS है हमारी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पे टर्म ही इंडिकेट करती है, यानी कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर रही है, ड्रग को रिलीज़ करा रही है, कंट्रोल कर करके धीरे धीरे से रिलीज़ करा रही है। तो ऐसे ही हमारे माइक्रोस्पेयर्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CDDS के बेस पर, कि क्या करें, वो क्या करें, जो हमारी ड्रग होती है उसको धीरे धीरे रिलीज़ करे और लंबे समय तक एक्शन देखने को मिले। तो उसको हम बात करेंगे आज माइक्रोस्पेयर्स के बारे में। तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, आज लैब में हैं हम और उसकी प्रिपरेशन करेंगे, कैसे कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं माइक्रोस्पेयर्स की। तो फ्रेंड्स, माइक्रोस्पेयर्स को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास मेथड होता है सिंगल इमल्शन टेक्निक होती है हमारे पास, डबल इमल्शन टेक्निक होती है हमारे पास, कोजर्वेशन मेथड होता है हमारे पास, एक इंजेक्शन मेथड होता है हमारे पास, और क्या होता है हमारे पास, पोलीमराइजेशन टेक्निक होती है, और बहुत सारी टाइप होती है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम माइक्रो इमल्शंस बनाने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, बाय इंजेक्शन मेथड से बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं उसके इंग्रेडिएंट के बारे में, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लेना है कितना HPMC लेना है, आपको कितना 50 mg आपको HPMC लेना है, फिर आपको इथाइल सेलुलोज लेना है 50 mg, और आपको क्या करना है, आपको ग्लिसरॉल लेना है, जो ग्लिसरॉल हम बाद में यूज़ करेंगे इसका, बाद में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बिकर में क्या लेना है, 10 ml एसीटोन लेना है। कितना, 10 ml एसीटोन। जैसे कि आपको देखिए, आप यहाँ पे हमने 10 ml एसीटोन ले लिया है, और फ्रेंड्स, जो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो एक कैप्सूल टाइप का है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको मैग्नेटिक बीड्स कहते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारी मैग्नेटिक बीड्स। तो फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है, आपको 250 mg आपको ड्रग लेनी है। तो ड्रग हमारे पास कौन सी है फ्रेंड्स, हमारे पास ड्रग है डाइक्लोफिनेक, आप देख सकते हैं ये हमारे ड्रग है डाइक्लोफिनेक, हम इसको लेकर के आज इसके माइक्रोस्पेयर्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमने एसीटोन लेकर के, कितना 10 ml एसीटोन लेकर के हमने उसमें बीट डाल दिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक स्टेयर पे रखेंगे, और फिर उसके बाद इन सबको मिक्स कराएंगे उसमें। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको मैग्नेटिक स्टेयर पे रख दिया है, और अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। तो फ्रेंड, ये प्रोसेस होगा हमारा यहाँ पर, इसको ऐसे ही कुछ टाइम तक, इसको ऐसे ही आपको मैग्नेटिक स्टेयर कराना है, और इसका धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है आपको, और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ानी है यहाँ पर। अब जब कुछ टाइम तक, लगभग 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है आपको, स्टेयर होने देना है, फिर क्या करना है, धीरे धीरे आपको फिर इसमें आपकी अपनी ड्रग को ऐड करना है, अपने HPMC को ऐड करना है, और अपने इथाइल सेलुलोज को ऐड करना है। तो फ्रेंड, उन सबको ऐड करने के बाद इसमें, तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या क्या है इसमें, इसमें हमने अपनी ड्रग ऐड कर दी है, और अपने HPMC और इथाइल सेलुलोज को ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये क्या रोटेट कर रही है, हमारा बीड्स इसमें चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब क्या करें, जब थोड़ा इसको, ये थोड़ा ऑपरेट होने लग जाए, थोड़ा विस्कस हो जाए, तो इसको आपको क्या करना है, इसको उतार लेना है आपको इससे, और फिर उतार लेने के बाद क्या करना है आपको, आपको उसको मैग्नेटिक स्टेयर पर, ये है हमारा मैकेनिकल स्टेयर, तो मैकेनिकल स्टेयर पर इसको रखना है, और क्या करना है मैकेनिकल स्टेयर में। तो फ्रेंड, ये लिया है हमने, अब हम बात करेंगे मैकेनिकल स्टेयर में। मैकेनिकल स्टेयर में हमें क्या करना है, आपको 100 ml ग्लिसरॉल लेना है। ग्लिसरॉल लेने के बाद उसको क्या करना है, उसको आपको कम से कम 1 घंटे तक इसको मैकेनिकल स्टेयर से आपको क्या करना है, इसको चलाना है। आप देख सकते हैं जैसे इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जैसे। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करना है 1 घंटे तक इसमें, और क्या फिर क्या करना है आपको, जो आपका प्रोडक्ट बना था, जैसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब जो हमारा ये ड्रग का, जो हमने सोल्यूशन बनाया था, ड्रग का जो बन चुका है, अब इसको क्या करना है, इसको आपको सिरिंज में लेना है, सिरिंज में लेकर के इसको सिरिंज में भर करके, और क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें क्या करना है, इसको फिर आपको क्या करना है, इसको सिरिंज में भरना है, आपको सिरिंज में भर के इसमें, और क्या करना है, जब इसको हम चलाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं,
सही है, प्रो बेडरोग इसमें ऐड करेंगे तो इसको कम से कम एक घंटा तक आपको इसको चलाना है। एक घंटा तक चलाने के बाद इसमें तो क्या करना है आपको, इसको यहाँ से इसको बंद कर देना है और उसके बाद आपको उसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट करना है। फिल्ट्रेशन कैसे, तो फ्रेंड्स फ्रीज का फिल्ट्रेशन लगा देना है आपको, ऐसे करके इसमें फिल्ट्रेशन लगा देना है। फिल्ट्रेशन होने देने के बाद इसको जो हमारे पार्टिकल्स आएंगे उनको क्या करना है, उनको आपको ड्राई। आप ये है हमारे माइक्रोस्फीयर्स जिसके लिए हम काम कर रहे थे, वो हमारे बन करके तैयार हो गए। एंड यू कैन ड्राई इन हॉट एयर ओवन एंड देन यू कैन यूज़ इट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।